हमका समोसा लेके देओ, हम समोसा खइबा। चुप, अभी चिप्स खाओ। हाँ तो चिप्स खाए, समोसा थोड़ी ना खाए, हमका लेके देओ समोसा। बेटा ये सब बाहर का चटर पटर ना खावा करो, ये सब हानिकारक होता है। अंकल अपने काम से काम रखो, खुद तो चबड़ चबड़ मसाला चबा रहे हो, वो नहीं हानिकारक होते का? हाँ यही बात ठीक है। ट्रेन में चोरों का आतंक, लोगों को नशे में करके लूट लेते हैं सामान, कर देते हैं उनको नंगा। क्या लिखा है भैया? यही लिखा है, ट्रेन में चोरों का आतंक, लोगों को नशे में करके लूट लेते हैं सामान, कर देते हैं उनको नंगा। बहन जी आप तो बिल्कुल बाहर का मत खाइएगा। अरे ट्रेन में कोई कुछ खाने दे तो मना कर देना चाहिए, खाना नहीं चाहिए। पता नहीं उम्मा कहाँ मिला हुई, भरोसा थोड़ी ना करा जा सकता आजकल कोई पर। आप सही कह रही हो भाभी जी, ट्रेन में कोई कुछ दे तो खाना नहीं चाहिए। ले भैया बिस्कुट खियाओ। हाँ लाओ। अरे चोरी कैसे, तो हमसे सुनो भैया, हमारा साथ तो लाइव कांड हुआ रहा है। क्या हुआ रे भैया? अरे पिछले साल जालन की बात है भैया, हम जा रहे हैं जयपुर, और हमारे पास एक आदमी बैठा रहा है, और वो हमका दिस क्रीम वाला बिस्कुट, और हम खा लिए, और फिर मर गए रहो। नहीं सो गए रहन बे, 3 दिन बाद उठन, और जानत हो कहा? कहा? पाकिस्तान। पाकिस्तान? हाँ पाकिस्तान। और जब आँख खुली तो देखें यहू भारी AK-47 हमारी कनपटी लगाए खड़े रहे पाकिस्तानी सैनिक। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर का वह क्रीम वाले 4-5 बिस्कुट पड़े रहे हमारे पास, पाकिस्तानी सेना का वह बिस्कुट खवाए कत्ती तेल लत्ती मार के भागे हन कि 2 दिन बाद इंडिया पहुँचन। अरे बाप रे बाप। हाँ लेकिन हम उस चोर का हमेशा शुक्र गुजार रही बा, अगर वो हमका खावे वाले बिस्कुट ज्यादा न दी होती तो आज हम कहूँ पाकिस्तान की जेल में सड़ रहे होते। एयरपोर्ट का रम बोलो, जेब में ना हो पैसा तो थोड़ा कम बोलो। देसी बियर बोट का रम बोलो, जेब में ना हो पैसा तो थोड़ा कम बोलो। यू का बेच रहे हो भैया? बियर बोट का रम, देसी ठर्रा सब है हमरे पास। अबे ट्रेन में दारू कब से मिलने लगी बे? आए, अगर प्लेन में दारू मिल सकते है तो का ट्रेन में नहीं मिल सकते का? देसी बियर बोट का रम बोलो। मम्मी हम दारू पीवा, हम का दारू लेके देओ। दारू पियो, दारू पियो। कुछ नहीं लेके दे सब सो मम्मे, समोसा के रान ना समोसा लेके दियो ना दारू लेके दे रही हो। वैसे बच्चों के लिए हमारे पास फ्रूट बियर भी है बहन जी, कहो तो दे दे। हाँ लाओ। तुम्हारे जैसों के लिए चप्पल है हमारे पास, कहो तो दे। ए भैया तुम कहाँ जा रहे हो? बलिया जा रहे हैं भैया। वो तो अभी 200 किलोमीटर दूर है। हाँ वो तो है, जब रास्ता हो लंबा तो लगा ले खंबा। भैया हम दारू नहीं पीते हैं। अबे हम शराबी का 200 मीटर दूर पहचान जाथन, डेली 2 पौवा पिया था वह बिना पानी मिलाए। हाँ वो तो है, पीते तो है। ला 90 दो। 90 नहीं 80 है हमारे पास। देसी पियत रह जियो बेटा, ला दे। देसी बियर बोट का रम बोलो, जेब में ना हो पैसा तो थोड़ा कम। बलिया अभी दूर है, थोड़ा आराम कर ले। भैया बलिया आए हुआ का? बलिया हुजूर आप इंडिया से आए हो? इंडिया से आए हो मतलब? तीन दिन बाद उठे और जानत हो कहा? पाकिस्तान। ट्रेन में चोरों का आतंक, लोगों को नशे में करके लूट लेते हैं सामान,
कर देते हैं उनको नंगा। पाकिस्तान अरे जनाब क्या हुआ, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। अरे भैया पूछो ना क्या हुआ है। क्यों भाई साहब आप बताओ तो, हम दो दिन से देख रहे हैं आप सोए जा रहे हैं, अब उठे हैं तो परेशान लग रहे हैं। अरे भैया परेशान ना हो तो क्या करें, हमारा सारा सामान भी चोरी हुई हुआ है और पैसा भी नहीं बचा है। अरे तो चलो पुलिस के पास, वहाँ रिपोर्ट लिखा दो, आपका सामान मिल जाएगा। अरे भैया नहीं नहीं, पुलिस के पास नहीं जा सकते हैं। क्यों जनाब आप डर क्यों रहे हैं, क्या आपने भी कुछ गलत किया है? अरे भैया हम कुछ नहीं गलत किए हैं, हमारे साथ तो हमारी जिंदगी गलत किए जा रही है। अरे भाई साहब आप अपनी जिंदगी को मत कोसिए, आपका सामान जल्दी मिल जाएगा, आप बस पुलिस चौकी चले जाइए। अरे कह रहे हैं पुलिस के पास नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते, तुम क्या एक बार में समझ नहीं आ रहा का? अरे ठीक है जनाब ठीक है, आप गुस्सा मत करिए, आपका सामान है आपको नहीं चाहिए ठीक है, हमें लगा आप परेशान है तो आपकी मदद कर दें, पर कोई बात नहीं हम चलते हैं। अरे 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 भैया बैठो बैठो, हमको लग रहा है आप अच्छे भले इंसान हो, हमारी कुछ मदद कर सकते हो। हाँ बिल्कुल भाई साहब करिए तो, क्या बात है? दरअसल बात यह है कि हमारा सामान नहीं खोआ है। क्या, पर भाई साहब अभी तक तो आप कह रहे थे कि आपका सामान खो गया है। अरे भैया पूरी बात तो सुनो। हाँ हाँ कहिए कहिए। तो भैया बात यह है कि हमारा सिर्फ सामान ही नहीं खोआ है, साथ में हम भी खोए गए हैं। क्या भाई साहब आप भी क्यों मजाक कर रहे हैं, आप कहाँ से खो जाएंगे, आप तो हट्टा कट्टा हमारे सामने बैठे हैं। अरे भैया तुम समझ नहीं रहे हो। अरे भाई साहब तो आप हमें ठीक से समझाएं ना कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। अरे हम कहना ये चाह रहे हैं कि हम गलती से इंडिया से पाकिस्तान आ गए हैं। क्या, अरे भाई साहब आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं, आप गलती से इंडिया से पाकिस्तान कैसे आ सकते हैं? अरे भैया यही तो हम समझ नहीं पा रहे हैं, पिछले पार्ट में हम दारू पी के सोए थे और जब उठे दारू राहुल बिला कुत दारू पीते हैं, दारू पी के ही तो सबका दिमाग खराब होता है, अब खुद को ही देख लो ना, ना तो तुम दारू पिए होते और ना तो तुम गलती से पाकिस्तान आते। अरे भैया भाषण ना दो यार, यहाँ फटी पड़ी है और तुम भाषण दिए जा रहे हो, हमको बस इतना बताओ कि हम करें का? अरे भाई साहब करना आपको सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान की पुलिस को ना पता लग पाए कि इंडिया से कोई आदमी पाकिस्तान आया है, वरना अगर कहीं पुलिस के हाथ लग गए तो सीधे जासूस बना के हवालात में ठूस दिए जाओगे। अरे भैया पर हम इंडिया वापस कैसे जाएंगे? अरे भाई साहब जब ये ट्रेन इंडिया से आई है तो वापस भी जाएगी, तो इसी ट्रेन में छिपकर वापस भी चले जाना। हाँ यूँ तो हम सजुबे नहीं किए रहन। ए कहाँ है, कहाँ है, निकल कहाँ है? भाई साहब कुछ भी हो जाए बस आप ये कबूल मत करना कि आप इंडिया से आए हो। ए इधर किसी इंडियन जासूस को तो नहीं देखा? नहीं जनाब। अच्छा तो ये कौन है? जनाब ये भाई है मेरा। पर तुम दोनों की शक्ल तो मिल नहीं रही है। वो क्या है ना जनाब कि ये 10 साल पहले खो गया था, अभी ट्रेन में भीख मांगते हुए मिला है। अच्छा नाम क्या है, नाम बताओ। नाम हटका फजलू। तुमसे नहीं पूछा इससे पूछा, बोलो नाम क्या है? नाम तो हमारा फजलू है साहब। अच्छा कहाँ रहते हो? यही लाहौर में रहते हैं साहब। अच्छा कोई आईडी है? हाँ साहब सब है पर घर में रखी है। अच्छा क्या क्या बना है, पासपोर्ट है? जी साहब। ड्राइविंग लाइसेंस है? जी। वोटर कार्ड है? जी साहब। सिम कार्ड है? जी साहब। आधार कार्ड है? जी साहब वो तो पिछले ही साल बनवाए थे। पर आधार कार्ड तो इंडिया वालों के लिए होता है, फंस गए ना बेटा। हम देखते ही समझ गए थे कि तुम ही हो वो इंडियन जासूस। चलो साथ में बेटा, सारी जासूसी जेल में निकालेंगे। अरे साहब उनको छोड़ दो, हम जासूस नहीं है, गलती से इंडिया से आगे है। अरे साहब। अरे भैया सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं, अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा, तो हमारी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।